ओम नमो आदेश गुरु को। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंडित नरेश नाथ अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली उपयोगी जानकारियाँ प्रदान करेंगे, जिसके अंतर्गत अंक ज्योतिष, वास्तु ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, तंत्र मंत्र यंत्र और जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए उपयोगी टोटके इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप प्रत्येक लाभकारी जानकारी का लाभ पूर्ण रूप से उठा सकें। तो आज हम बात करते हैं बसंत पंचमी की। दोस्तों, जिस प्रकार तंत्र मंत्र में दीपावली का विशेष महत्व है, उसी प्रकार बसंत पंचमी का भी विशेष महत्व माना गया है। बसंत पंचमी में हमारे साधक भाई बहुत सी स्थितियां संपन्न करते हैं और जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर किया जाता है। बसंत पंचमी में विशेषकर माँ सरस्वती और कामदेव की पूजा होती है। बसंत हसो उला का त्यौहार माना जाता है। पूरे भारत में बसंत पंचमी मनाई जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप अपने जीवन को कैसे सुखी और संपन्न बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये प्रयोग विशेष लाभकारी रहेंगे, जिन विद्यार्थियों को विद्या संबंधी परेशानी उत्पन्न होती है या जिनकी याददाश्त शक्ति कम है, वाणी संबंधी समस्या है, उनके लिए ये उपाय बहुत ही कारगर साबित हो गए। विद्यार्थियों के अतिरिक्त संगीत और कला से संबंधित सौंदर्य से के संबंध में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भी ये उपाय विशेष लाभकारी रहेंगे। ये नहीं कि इनका लाभ केवल वही उठा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति बसंत पंचमी पर ये उपाय कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार आपको
बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती को कैसे प्रसन्न करना है, जिससे आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और कीर्ति प्राप्त हो। दोस्तों, मेष राशि वाले सरस्वती कवच का पाठ करें और माँ को बेसन की बनी हुई मिठाई अर्पित करें। इससे उन्हें विद्या और बुद्धि प्राप्त होगी। वृक्ष राशि वाले जातक माता सरस्वती को सफेद चंदन और इसी रंग की मिठाई फूल अर्पित करें। इससे उन्हें बल, बुद्धि और कीर्ति की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले जातक पंचोपचार या खोटोपचार से माँ की पूजन कर पूजन के उपरांत माँ को केसर की बनी हुई खीर या पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं और सरस्वती जी का पाठ करें। इससे उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातक सरस्वती पूजन पर पीले चावल, पीले अक्ष चढ़ाएं और पीले रंग की मिठाई माता को चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। इससे उन पर माँ की कृपा बरसेगी। सिंह राशि वाले जातक बसंत पंचमी के दिन 1 फरवरी को माँ को सफेद रंग के फूल अर्पित करें और सरस्वती गायत्री का यथाशक्ति जाप करें। कन्या राशि वाले जातक सरस्वती माता को मीठे चावल अर्पित करें और जरूरतमंद गरीब बच्चों को पुस्तकें बांटें। इससे उनके जीवन में सुखद परिवर्तन होंगे। तुला राशि वाले जातक मां सरस्वती को सफेद रेशमी वस्त्र और मिठाई का भोग लगाकर बच्चों में बांटें। इससे उन पर विशेष कृपा होगी। वृश्चिक राशि वाले जातक माँ को सफेद पुष्प की माला अर्पण करें और खीर प्रसाद के रूप में बांटें। सफेद चंदन
धनु राशि वाले जातक माँ को अर्पित करें और अपने मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं तथा सरस्वती कवच का पाठ करें। इससे उन्हें माँ की कृपा का अनुभव प्राप्त होगा। मकर राशि वाले जातक जरूरतमंद व्यक्तियों को सफेद अनाज दान करें, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दूध आदि का दान जरूरतमंद व्यक्तियों को करें। कुंभ राशि वाले जातक माँ सरस्वती के बीज मंत्र का यथासमर्थ जाप करें और ये जाप सफेद चंदन की माला से करना है और जाप के उपरांत माला माँ को अर्पित कर देनी है। इससे उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी। मीन राशि वाले जातक पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग की मिठाई और सरस्वती चालीसा की पुस्तकें दान करें और पांच बार सरस्वती चालीसा का पाठ करें। इससे उन्हें माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, बसंत पंचमी का जो पर्व है ये अखंड मुहूर्त माना जाता है। इस दिन आप बिना मुहूर्त के भी कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे वाहन खरीदना, नए घर में प्रवेश करना, विवाह शादी आदि कोई भी शुभ कार्य इस दिन आप बिना पूछे कर सकते हैं। ये पांच अखंड मुहूर्तों में विशेष माना जाता है। दोस्तों, अनार के तीन फूल शहद में डुबोकर भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान शिव के किसी भी मंत्र की एक माला का जाप करें। ओम नमः शिवाय या रुद्र गायत्री, महामृत्युंजय मृत्युंजय, किसी भी मंत्र का जाप कर आप तीन अनार के फूल शहद में डुबोकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके दृढ़ योग समाप्त होंगे और आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इससे किसी और का भी कल्याण हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके मन में आज के इस विषय के संबंधी कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9317666790। तो दोस्तों, ऐसी ही अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
शीघ्र ही ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, महाकाली आप सबका कल्याण करें।